वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो आर्टिकल्स पे होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4। और मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 से लेके 3 तक हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, इवन मेरे चैनल पे भी डल चुके हैं, सो प्लीज़ आप लोग वो भी चेक कर लेना। और हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करो। और जो फर्स्ट व्यूअर हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल को घूम लो, एक्सप्लोर कर लो, ठीक है? उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो अपने वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो देखो, थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सादा सा है, ठीक है? इसमें जैसे कि पार्ट 3 में देखा था कि बहुत सारे आर्टिकल्स थे, पार्ट के अंदर ही पार्ट थे, स्वतंत्रता का अधिकार था, ठीक है, समानता का अधिकार था, ये सब इसमें डायरेक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसमें दिया गया है कि इस वाले आर्टिकल में ऐसे ये काम है, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल ही बोलता है, ठीक है, पहले नहीं, इसका ये बता देती हूँ, पार्ट 4 में दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इसमें नीति निर्देशक का तत्व के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हमारा 36 आर्टिकल देखते हैं, उसकी परिभाषा बतानी है आपको, मीन्स नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, ये आपको सिंपल सा ही इसमें लिखना है, इसमें कोई आपका आर्टिकल नहीं, सिर्फ इसका इंट्रो है ही है, ठीक है। अब आर्टिकल 37 पे देखते हैं, सांसद को अधिकार है कि वह अपनी नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कर सकती है, कि वह अपने प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में चेंजमेंट लेकर आ सकती है। सो हमारा 38 नंबर क्या बोलता है आर्टिकल, ये भी देख लेते हैं। ये राज्य का कर्तव्य है कि वह सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम का संचालन नागरिकों के हितों के लिए करे, ठीक है। तो इसमें देखो, सामाजिक मतलब सोशल वर्कर्स हो गए, राजनीतिक मीन्स पॉलिटिक्स हो गई, इसमें मतलब लोगों को अच्छे फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है। आर्थिक मीन्स इकोनॉमी से आ जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन से आ जाएगा, ठीक है। वो वैसे कार्यक्रम करें जिससे कि नागरिकों की हितों की मीन्स जो हमारे सिटीजन्स होते हैं उनके फेवरेबल कंडीशंस में आए के लिए करें, तथा राज्य में आय की असमानता को कम करना भी राज्य का कर्तव्य है। मीन्स जो आय होती है, जो इनकम होती है, जो इनकम से भी रिलेटेड है, और आय मीन्स पैसे आने का ज़रिया, ठीक है, उसको असमानता को कम करे, मीन्स तो उसको कम करने का भी उनका राज्य का कर्तव्य है, ठीक है, उसका देख रेख करना भी इनका कर्तव्य है, ठीक है। अब बस इसमें एक और दिया गया है, जो कि 39 में ए बी एंड सी दिए गए, और पूरा सिर्फ आर्टिकल वाइज शेड्यूल वाइज है, ठीक है, इसमें एक भी मैं रुकना, बस 39 वाले में रुकना है, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। अब 39 क्या बोलता है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देना, मीन्स जैसे कि आपका काम है, आप कुछ भी टीचर हो सपोज, और आपके पड़ोसी अच्छी कास्ट से हैं, तो उनको ज़्यादा, वो भी टीचर ही, उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो इस चीज़ में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देना, ठीक है। अब उसके अंडर पे ए देख लेते हैं, समान, तो अब ए और बी और सी में ये समान वेतन से ही रिलेटेड है। तो ए में दिया गया है, समान ले आए और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करें, ठीक है। अब 39 बी में दिया गया, लोक व्यवस्था तथा नियंत्रण बनाए रखें, ठीक है, जो समाज की व्यवस्था है उसको भी बनाए रखें और उस पर निगरानी भी रखें, धन का समान वितरण, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 40 नंबर देख रहे हो, तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले से ही लगा है, मीन्स पे नोट्स में लिखा है, तो उसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो उसमें दिया गया, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको न्याय दिलाने के लिए पंचायती राज ज़रूरी है, ठीक है। 41 आर्टिकल देखते हैं, कार्य पाने का अधिकार का प्रावधान, ठीक है। 42 आर्टिकल में देखते हैं, कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं, मानवीय दशाएं यहाँ पर ऊपर लिखा है, साफ पानी, खाना और ये प्रोवाइड कराना, साफ जगह करवाना या उस जगह पर वहाँ के लिए अलग कर्मचारी करवाना, ये सब भी गवर्नमेंट का ही काम होता है, मानवीय दशाएं देना भी राज्य का कर्तव्य है, अभी मैंने आपको बताया। आर्टिकल 43 में देखते हैं कि इसमें दिया गया, कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी या मेहनताना राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 4 पर देखते हैं, राज्य का कर्तव्य है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करें,
अब हमारा 45 नहीं है, डायरेक्टली 46 दिया गया है, फिर सीधे 49 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि 45 को अलग करके 21A में डाल दिया गया है। 21A स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए है, जो कि 6 से लेके 14 ईयर्स के जो बच्चे, इनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, वो इस वाले से 45 पे डाल, जो कि इनको शिफ्ट करके 21A में डाल दिया गया है, ठीक है। तो 46 नंबर का देखते हैं। तो 46 नंबर के में दिया गया है, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास करें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। मींस जो पिछड़ा वर्ग वगैरह है उनके लिए आर्थिक एवं शैक्षणिक, मतलब गुरुकुल या छोटे छोटे स्कूल्स, मतलब अच्छे स्कूल्स खुलवा दे, विकास करवा दे, ऐसा इस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 47-8 नहीं है, 49 है सीधा, हाँ आगे चल के हो भी सकता है। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। मींस आपने कहीं कहीं देखा होगा, कहीं कहीं गांव में, सिटी में, यहाँ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स बने हैं, वो टूट गए, ठीक है, उन्होंने देख रेख नहीं की वहाँ के गवर्नमेंट ने, तो वो इस आर्टिकल के अंदर है कि आप स्मारकों, मीन्स हिस्टोरिकल मोमेंट्स दिए गए हैं, उसकी रक्षा करना भी कर्तव्य है राज्य का, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 50 देख लेते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह महेंद्र कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक रखें, ठीक है। अब आर्टिकल 51 जो कि इस वाले पार्ट का लास्ट आर्टिकल है, आंतरिक एवं बाहरी शक्ति को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है, सॉरी शक्ति नहीं शांति है, आंतरिक एवं बाहरी शांति को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। मींस शांति अपने नगर में भी बनाए रखे और लड़ाई बड़ाई ना करते हुए आजू बाजू स्टेट, आजू बाजू गांव शहर से भी अपनी दोस्ती बनाए रखें, तो वो इस कर्तव्य के बारे में बताया गया है। सो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा, सुनिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।